जब पंचायत चुनाव आते हैं तब ग्राम प्रधान बनने के लिए प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च करते हैं और प्रधान बनने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार करते हुए करोड़ों की निधि का गमन कर जाते हैं। नतीजतन गांव के लोग विकास का इंतजार करते करते अंत में खुद को ठगा महसूस करते हैं। एक ऐसा ही गांव देखने को मिला झांसी जिले के मोट तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सोराई चंदार में, जहाँ ग्राम पंचायत की अनदेखी से ग्रामवासी परेशान हैं। इस ग्राम पंचायत में बीते 10 वर्षों से ना तो सड़कों पर ध्यान दिया गया ना ही अन्य मूलभूत समस्याओं पर। बीते 10 वर्षों से ग्राम पंचायत सौरई चंदार में ग्रामीण विकास की बाट जोह रहे हैं। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, नालियों की बजाय सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ फैला है। इस गांव के ग्रामीण लंबे अरसे से पेयजल की समस्या से दो चार होते रहते हैं। बरसात के दिनों में गांव की हालत बद से बदतर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गांव की पुलिया टूटे होने के कारण वाहन गांव में प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्या नाम है दादा? ब्रज किशोर। ये कौन सा गांव लगता है? चंदार। तहसील कहाँ आती है? मोट। क्या समस्या है आपकी? समस्या है नाली है और हार के जाने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल घुटन घुटन खबर जनी मान से उठते हैं। और इतने पानी की समस्या है, पानी जहाँ चल जैसे नाली हो चल जो रास्ता इफेक्ट हो चल जी। ये आपने किसी बताया नहीं है अभी सरपंच? अभी तक कोई आई नहीं है। कब से समस्या है ये? ज्यादा समस्या हमारी बहुत दिन से है साहब, भावी भगत रहे खाना। क्या नाम है? नंदन शुक्ला। कौन सा गाँव है? ये चंदार है। क्या समस्या आ रही? ये पुलिया है जो रास्ते के हार के लिए जो टूटी पड़ी है 8-10 साल से, इसका सुधार नहीं हुआ है? सुधार नहीं हुआ, ये तो बड़ी मुश्किल से जब भैंसियाँ चली जाती हैं इसमें ट्रैक्टर वाहन नहीं कर पाते हैं। शिकायत को आपने नहीं की किसी से? यानी कि कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ कोई नहीं। हम लोग चक्कर देकर आते हैं पांडोरी से अपने खेतों पर, पड़ता है किस साइड मतलब ये रास्ता कहाँ के लिए? सोराई के लिए। सोराई पंचायत का नाम है? जीतू राज। क्या समस्या है? गाँव की जो मेन पुलिया है जो खेतों से जुड़ती है, यही कम से कम काफ़ी साल हो गए टूटी पड़ी है, यहीं में ना ट्रैक्टर निकल पा रहे हैं। कम से कम 15-20 किलोमीटर से चक्कर लगा के आना पड़ता है। कौन सी पंचायत से आप? जी सोराई चंदार। अच्छा, ये गांव कौन सा पड़ रहा है अपना? चंदार पड़ रहा है जिस, और जी मेन रास्ता है पुलिया से जिस सोराई को जुड़ती है, जो पंचायत गाँव है हमारा। प्रत्येक पंचवर्षीय में प्रधान बनने से पहले विकास के नाम पर वादे किए जाते हैं, लेकिन गाँव की सरकार बनते ही प्रधान लूट खसोट में लग जाता है, जिसके बाद सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से कार्यकाल में करोड़ों का बंदर बाट हो जाता है और ग्रामीण खुद को ठगा महसूस करते देखे जाते हैं। फिलहाल अभी हाल में ही चुनाव संपन्न हुए हैं और नए प्रधान भी विकास कार्यों की सूची बनाकर ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नए प्रधान सरकारी खजाने को विकास कार्यों में खर्च करते हैं या फिर पहले चुनाव में खर्च किए गए रकम की वसूली करते हैं। मोड से अमित राजावत की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.